से डरते हो, रोशनी से डरते हो। आदम की विलादत के नए जश्न पे लहराते जला जिल शहर के गोशों में हैं बिखरे हुए पाशिकस्ता सर बुरीदा ख्वाब जिनसे शहर वाले बेखबर। घूमता हूँ शहर के गोशों में रोजो शम कि इनको जमा कर लूं, दिल की भट्टी में इन्हें ताप लूं कि छट जाए पुराना मैल। उर्दू के शेरी उफक पर नूर मीम राशिद का जहूर एक ऐसी गूंज और इरताश की याद दिलाता है जो इनकी पहली किताब मावरा की इशात के बाद आज तक सुनी और महसूस की जा सकती है। ये कहना गलत ना होगा कि इकबाल के बाद राशिद वो वाहिद शायर हैं जिनकी शायरी निहायत गहरे तफक्कुर और उतने ही गहरे मुताले का तकाजा करती है। चला आ रहा हूं समंदरों के विशाल से, कई लज्जतों का सितम लिए जो समंदरों के फुसू में है। मेरा जहन है वो सनम लिए, वही रेगजार है सामने, वही रेगजार के जिसम इश्क के आईने किसी दस्ते गैब से टूट कर रहे तारे जाने बिखर गए। अभी आ रहा हूँ समंदरों की महक लिए, वो थपक लिए जो समंदरों की नसीब में है, हजार रंग से ख्वाब आए खुनक लिए। चला आ रहा हूँ समंदरों का नमक लिए। नूरमीम राशिद यकम अगस्त 1910 को गुजरांवाला के एक कस्बे अलीपुर चट्ठा में पैदा हुए। कयामे पाकिस्तान से पहले इस कस्बे का नाम अकालगढ़ था। राशिद की पैदाइश के वक्त इस कस्बे की आबादी 3000 के करीब थी। इस जमाने में यहाँ मौलवियों का एक खानदान आबाद था जिसका शुमार अकाबरीन शहर में होता था। ये लोग कौम के जंजुआ थे और इनका जरिया माश दीनी तालीम था। राशिद साहब के वालिद जनाब फजल इलाही चिश्ती का ताल्लुक भी इसी खानदान से था। वो महकमे तालीम से वाबस्ता थे। इनके दो बेटे नजर मोहम्मद और फखर मोहम्मद थे। इन्हीं नजर मोहम्मद ने बाद में नून मीम राशिद के नाम से अपनी शेरी सलाहियतों के जरिए दुनिया अदब में अपनी शनाख्त कराई। राशिद साहब की शायरी आम पसंद शायरी नहीं, महज इसलिए नहीं कि इसमें रिवायती असलीब बयां से इनहराफ किया गया है, बल्कि इसलिए भी कि इसमें मानवीय एतबार से भी एक ऐसा इनहराफ पाया जाता है जिसे कबूल करना आसान नहीं। राशिद साहब ने जो इक्तसाब किया रिवायत से वो बहुत पेचीदा अंदाज में किया। बरहरास उन्होंने नहीं लिया बल्कि उसको छान कर और उसका एक ट्रीटमेंट करके फिर अपनी ज़ात के अंदर उसको उतार के उन्होंने इक्तसाब किया है। इन्हीं एक उनके यहाँ एक शक्ल रक्स की सी है। लब्बयाबा बोशे भेजा कौन सी उलझन को सुलझाते हैं, सुबह के सीने में नेजे टूटे और हम रात की खुशबुओं से बोझल उठे। हम मोहब्बत के खराबों के मकी वक्त के तूले अलमनाक के परवरदार। एक तारीख अजल नूरे अबद से खाली। राशिद साहब की इब्तदाई शेरी तरबियत में इनके वालिद राजा फजल इलाही चिश्ती साहब ने अहम किरदार अदा किया। वो खुद तो शेर कम ही कहते थे मगर इनका शेरी ज़ौक बहुत अच्छा था। गालिब और इकबाल से राशिद ने अपने वालिद के जरिए तारुफ हासिल किया। राशिद ने इब्तदाई तालीम अलीपुर चट्ठा ही में हासिल की और यहीं से उन्होंने 1926 में मैट्रिक का इम्तहान पास किया। 1928 में राशिद ने गवर्नमेंट कॉलेज लायलपुर से इंटरमीडिएट का इम्तहान पास किया। यहाँ इनके मजामीन अंग्रेजी और उर्दू के साथ साथ फलसफा तारीख और फारसी थे। इंटरमीडिएट के दौरान इनका अदबी सफर जारी रहा और कॉलेज के रिसाले बीकन के एडिटर की हैसियत से उन्होंने नज़मों के साथ साथ कुछ मजामीन अंग्रेजी में भी लिखे। इंटरमीडिएट के बाद राशिद साहब ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जो मौजूदा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है में बीए में दाखिला लिया। यहाँ इनके मजामीन अंग्रेजी इक्तसादियात और फारसी थे। राशिद ने इसी कॉलेज से बाद में इक्तसादियात यानी इकोनॉमिक्स में एमए की डिग्री ली। गवर्नमेंट कॉलेज की अदबी फिजा का राशिद के तख्लीकी अमल पर गहरा असर नजर आता है।
यहाँ उन्होंने कॉलेज के मुशायरों में बाकायदगी से हिस्सा लिया, कई इनामात हासिल किए और रावी के उर्दू हिस्से के एडिटर हुए। गवर्नमेंट कॉलेज की फिजा इनको पॉलिश करने का जरिया बनी। एक तो ये कि वहाँ पतरस बुखारी थे इनके असातिज़ा में, और वो इनकी बहुत हौसला अफजाई करते थे। उनकी एक उर्दू मजलिस थी, उसमें बाकायदा राशिद शरीक हुआ करते थे। इसी तरह से रावी जो रिसाला है उसमें ये नायब मुदीर भी रहे और फिर मुदीर भी रहे। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से राशिद साहब का सारी उम्र एक खास ताल्लुक रहा, जिसके हवाले से अपनी एक ख्वाहिश का इजहार उन्होंने अपने दोस्त अब्दुल्ला हुसैन से भी किया। वो चाहते थे कि गवर्नमेंट कॉलेज में जहाँ वो पढ़ा करते थे वहाँ पर कोई उनकी कोई तख्ती लग जाए कहीं पर, बस ये उनकी एक ख्वाहिश थी। वो तो अब मेरा ख्याल है लगी गई है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ना सिर्फ राशिद के नाम की तख्ती मौजूद है बल्कि इनकी ब्याज और इस्तेमाल की दूसरी अशिया भी महफूज की गई हैं, जिसमें इनका हर दिल अजीज टाइपराइटर भी मौजूद है जो इनसे पहले इनके पसंदीदा तरीन अफसाना नगार सादत हसन मंटो के इस्तेमाल में रहा। क्या आप जानते हैं बर्रे सगीर पाको हिंद में अदब के हवाले से किस शख्सियत को नोबल इनाम से नवाजा गया? जवाब जानिए ब्रेक के बाद।